मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत जोरा के रौनित अग्रवाल पर ठीक बैठती है। मुरैना जिले की जोरा तहसील के छात्र ने इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा में 94.2% लाकर अपने नगर का नाम जिले में रोशन किया। आपको बता दें कि रौनित अग्रवाल CBSE बोर्ड का छात्र है और उसने कनिष्का कोचिंग क्लासेस से अपनी 10वीं CBSE बोर्ड की पढ़ाई की थी। कोचिंग संचालक विनोद त्यागी सहित रौनित अग्रवाल ने नगर एवं अपने परिवार एवं समाज में अलग ही मिसाल पेश की है। जब हमारे संवाददाता शिवम त्यागी द्वारा रौनित को पूछा गया तो रौनित ने सारा श्रेय अपने शिक्षक व अपने माता पिता को दिया। रौनित का कहना था, आज उसने जिले में जो स्थान प्राप्त किया है उसका पूरा श्रेय शिक्षक व मेरे माता पिता को ही जाता है। रौनित के पिता गोपाल कृष्ण का भी कहना है कि उनके बेटे ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और करीब 12 से 14 घंटे की पढ़ाई रंग लाई, जिसकी वजह से उनका समाज में और भी नाम ऊंचा हुआ है। आपको बता दें, दिन रात कठिन परिश्रम के बाद जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। रौनित का कहना है कि वह आगे भी ऐसी ही पढ़ाई करता रहेगा। मेरा नाम विनोद त्यागी है और मैं कनिष्का कोचिंग क्लासेस जोरा में संचालक हूँ कोचिंग का। और इस बार क्लास 10th CBSE बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है हमारे वहाँ से। रौनित अग्रवाल, जिनकी परसेंटेज 94.2 है और जिले में उन्होंने टॉप 5 में अपनी रैंक हासिल की है और साथ ही उनका साइंस में 95 नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर है मेरी कोचिंग से। और इसके बाद भूमि त्यागी 93 नंबर है और उसके बाद सत्यम बंसल 90 नंबर है उसके साइंस में। और मैं इसके साथ साथ बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए हैं और मैं सभी बालकों से ये कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें और साथ साथ में अपने समाज का और अपने परिवार का, अपने शिक्षक का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। और इस बार प्रथम स्थान जिले में हमारे वहाँ से नहीं आ पाया है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाली परीक्षाओं में बच्चे हमारे वहाँ से प्रथम स्थान हासिल करें और अपने समाज का, अपने देश का और अपने माता पिता और शिक्षक का नाम रोशन करें। आपके बेटे के इतनी परसेंट बनी हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए पहले तो बच्चे की मेहनत और उसके जो टीचर्स हैं उनका सही और उचित मार्गदर्शन, उसी वजह से बच्चे ने मेहनत करते हुए अपना और पूरे जोरा का नाम रोशन किया है। इसमें सबसे ज्यादा हाथ तो उनके टीचर्स का है, इन्होंने उसे सही मार्गदर्शन दिया। सर, इनके साथ में और आप अन्य बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के सारे बच्चे कड़ी मेहनत करें और भविष्य में एक अच्छी अधिकारी और अच्छी नागरिक बने, जिससे कि अपने क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो। आपको इनकी पढ़ाई से ऐसा लगा था कि ये कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की थी और कितने समय आपको थोड़ा सा प्राउड फील हुआ होगा कभी कभी? पढ़ने में तो मेरा बेटा शुरू से ठीक रहा है, लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना होता था। मेरा नाम रौनित अग्रवाल है और मैं कनिष्का कोचिंग क्लासेस से पढ़ा हूँ, जिसके डायरेक्टर विनोद त्यागी सर हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा CBSE का रिजल्ट आया है, जिसमें मैंने 94.2% प्राप्त की है और जिले लेवल पर मेरा 5वां स्थान आया है। इसमें ये मुकाम हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी। मुझे मेरे साइंस में 95 नंबर आए हैं, जिसमें विनोद त्यागी सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे अक्सर डाउट निकला करते थे और विनोद सर मेरे डाउट्स को सॉल्व करने के बाद मुझे घर भेजा करते थे, जिस वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आ पाए हैं। और देखा जाए तो मैं मुरैना स्कूल में पढ़ा था और यहाँ से मुरैना जाने में मेरे लगभग 2 घंटे खराब हुआ करते थे, इसलिए मैंने उन 2 घंटों को बर्बाद ना करते हुए मैं बस में भी पढ़ता था और स्कूल में जाकर टीचर से भी डाउट्स पूछा करता था, जिस वजह से मेरी इस डाउट क्लियरिंग हैबिट की वजह से मेरा इतना अच्छा स्थान आ पाया है। आप अपने अन्य साथियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने अन्य दोस्तों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखें और अपने फोकस को टूटने ना दें, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर कभी डाउट ना आने दें।
क्योंकि डाउट आते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, इसलिए जैसे ही डाउट आए अपने टीचर से कंसर्न करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए।